हेलो गाइस, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों को और एक नई वीडियो में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों से बात करूंगा नया जियो भारत फोन को लेकर और पुराना वाला जो जियो फोन है या फिर 2017 में जो निकल के आया था ये वाला फोन जियो का पहला वाला फोन, आपको मतलब कौन सा वाला अच्छा होगा, मतलब इसमें कंपेयर करके दिखाने वाला हूँ कि इसमें क्या फीचर्स है और जियो भारत में क्या क्या फीचर्स है। ठीक है, ये फ़ोन मार्केट में फिर से आएगा कि नहीं आएगा, सब कुछ मैं आप लोगों को डिटेल से बताना वाला हूँ। तो वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग जो है पूरा शुरू से लेकर अंत तक बने रहना, वीडियो जो है अच्छा होने वाला है। सो बिना टाइम गवाए आज का जो वीडियो है शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जियो फोन को लेकर, तो सबसे पहले बात करते हैं कि जियो फोन जो पहला फोन लॉन्च हुआ था 2017 में, ठीक है, उसके बाद आया था जियो 320B और बहुत सारा मॉडल 220B, बहुत सारा मॉडल जो है जियो ने निकल चुका था। लेकिन इस साल 2023 में जियो भारत फोन आया है और ये बिल्कुल जो है मतलब पहले वाले फ़ोन से बिल्कुल हटके है। तो आप लोग देख सकते हैं पहला कंपैरिजन, आप लोग देख सकते हैं इसका जो साइज़ का कंपैरिजन है आपका, इसका डिस्प्ले देखिए और इनका डिस्प्ले देखिए। ठीक है, दोनों का जो है काफ़ी रात दिन का तफात है। आप इसमें ज़्यादा अच्छे क्वालिटी में मतलब थोड़ा सा बड़ा जो है आप लोग फिल्म देख सकते हैं और इसमें जो है छोटा, बहुत ही छोटा है। और इसका अगर बात करें इसकी कीपैड की और इसके कीपैड की, ये वाला जो पहला जो फ़ोन था इसका कीपैड थोड़ा जो है हैंग हो जाता था, अगर मतलब थोड़ा थोड़ा काम भी नहीं करता था ये फ़ोन का। लेकिन इस वाले फ़ोन में भी जो है अभी तो काम कर रहा है फिलहाल, क्योंकि ये नया फ़ोन है। अभी 3-4 महीने बाद जो है इसका पता चलेगा कि इसका जो कीपैड है मतलब कैसा काम करता है। ठीक है, बाकी जो है इसका भी कीपैड जो है अभी थोड़ा थोड़ा हैंग करने लगा है ये जियो भारत फ़ोन का। बाकी आप लोगों के पास ये जियो फ़ोन है कि नहीं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपके पास ये नया जो जियो भारत फ़ोन है वो आप लेना चाहते कि नहीं लेना चाहते हैं वो भी कमेंट करके बताना। तो बात करते हैं कैमरा की। तो पहले वाला जो जियो फोन था उसमें आप लोगों को दो कैमरा देखने को मिलता था, एक जो है पीछे और एक जो है सामने, जो कि आप लोग यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है माइक की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को पहले ऊपर में ही माइक देखने को मिलता था, लेकिन इसमें आप लोगों को कहीं पर भी जो है माइक जो है नीचे देखने को मिलता है। ठीक है, और साथ ही साथ बात करें इसकी मतलब पहले का जो मोबाइल जो है बहुत ही मतलब मजबूत था, लेकिन ये वाला जो फ़ोन है बहुत ही हल्का है। आप लोग अगर हाथ में पकड़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि हाथ में कुछ भी नहीं है। ठीक है, और इसका जो आप लोग कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, ये जो बहुत ही हार्ड है, ठीक है, अगर आपके हाथ से गिर गया तो भी जो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ये जो अगर गिर जाता है तो ये टूटने का बहुत ही चांसेस रहता है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं, और कंपैरिजन मैं आप लोगों को करने वाला हूँ तो ये जो साइड में रखते हैं आप लोग जो है यहाँ पर मैं आप लोगों को कंपैरिजन करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप लोग देख सकते हैं इसमें जो स्पेसिफिकेशन की, जियो भारत में आप लोगों को 4.5 इंचेस का डिस्प्ले देखने को मिलता है, 0.3 MP का कैमरा, 1000 mAh का बैटरी, लाउड स्पीकर, पावरफुल टॉर्च, HD कार्ड 128 GB का आप लोग लगा सकते हैं, 3.5 mm का जैक दिया गया है। और इसमें जो खास फीचर्स है वो है जियो सिनेमा, जियो पे और जियो सावन, इन दो मल्टीमीडिया जो ऐप्स है, ये मल्टीमीडिया ऐप्स में आप लोग वीडियो को, गान को सुन सकते हैं, लेकिन इसमें आप लोग चार्ज नहीं कर पाएंगे। वही बात करें जियो पे की, तो इसमें आप लोगों को मतलब जियो पे दिया गया है, इससे आप लोग पैसा ले सकते हो, लेकिन ये छोटा फ़ोन में कौन मतलब कौन भरोसा कर सकता है कि इसमें आप लोगों का पैसा सेफ रहेगा या फिर आप लोग अच्छे से ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। तो ये तो बात की बात है, जियो पे इसमें कोई जो इस्तेमाल करना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि इतने छोटे फ़ोन में कौन सिक्योर रहता है। ठीक है, और साथ ही साथ बात करें इस फोन में आप लोगों को यूट्यूब, व्हाट्सएप या फिर जियो स्टोर कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। आप लोग फेसबुक दिया गया है, लेकिन वो भी जो है अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। वही बात करें पुराना वाले फ़ोन की, तो आप लोग देख सकते हैं इसका जो डिस्प्ले की साइज़ है, तो आप लोग देख सकते हैं डिस्प्ले की साइज़ है 2.4 इंचिस का QVB जो डिस्प्ले दिया गया है। आप लोग जो है बहुत ही मतलब बड़ा डिस्प्ले दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। और साथ ही साथ बात करें बैटरी की, यहाँ पर आप लोगों को बैटरी भी 15000 mAh का दिया गया है, 512 MB का रैम दिया गया है, 4GB मेमोरी कार्ड आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है,
और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 128 GB तक जो है मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। 3.5 mm इसमें भी है, इसमें भी है। और इसमें आप लोग खास फीचर्स ये है, आप लोग अगर आपके पास छोटा भी मोबाइल है ना, लेकिन आप लोग इससे जो है वीडियो कॉल कर सकते थे। अगर आपका घर का कोई बाहर रहता है तो आप लोग उससे वीडियो कॉल करके बात कर सकते थे। लेकिन इसमें जो नया भारत फोन में आप लोग बिल्कुल भी मतलब कैमरा ही नहीं दिया गया है, तो आप लोग वीडियो कॉल कैसे करेंगे। और साथ ही साथ बात करें, इसमें आप लोग यूट्यूब हो, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और साथ ही साथ इसमें आप लोग को वाईफाई का भी ऑप्शन देखने को मिलता था पहले वाले ऑप्शन में, ठीक है। लेकिन जो जियो फोन 320 भी आया है उसमें आप लोग को वाईफाई का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। और गाइस इसकी बात करें, हेलो वॉइस, हेलो जियो का ऑप्शन दिया गया है, जो कि बहुत ही मतलब यूजफुल होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो लोग जो है टाइप नहीं कर पाते थे, तो वो लोग जो है वॉइस हेलो जियो का इस्तेमाल करते थे, तो ये भी जो है जियो भारत फोन में नहीं देखने को मिलता है। और साथ ही साथ और एक बात करें, अगर आप लोग जियो ट्यून लगाना चाहते हैं तो आप लोग जो है पहले वाला जो जियो फोन है उसमें आप लोग जियो ट्यून लगा सकते थे, लेकिन जियो भारत में आप लोग जियो ट्यून नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। ये सब कंपैरिजन है। बाकी आप लोगों को मतलब इसमें जो है क्या क्या मतलब और भी मतलब अच्छा नहीं लगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। तो गाइस ये भी बताना कि पहले वाला जियो फोन अच्छा था या फिर नया वाला जियो फोन अच्छा है। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और अगर चैनल में नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।